रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम जाकिर अली और मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आप सब लोगों को वेलकम करता हूँ। सुबह सुबह का टाइम है और मौसम अच्छी खासी सर्द है और ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही है। और हमारा ना एक छोटा सा ट्रैक ही हमें प्लान हुआ है कि बच्चों के साथ। आज इनका स्कूल के लिए छुट्टी थी इसलिए छोटा सा ट्रैक के बारे में हमने सोचा और अभी हम निकले इनके साथ। एक देखें, हमारा ये हमसाया भी है, फियाज, एरियान, तकलेन, मुबीन और हसन, और इन सब लोगों ने अपने हाथ पे स्टिक्स भी ली हुई है। ट्रैक नारा लगाओ यार। तो जी देखिए, अभी हम दास में आ चुके हैं ना, और दास में ना बहुत ज़्यादा आबादी है, जो ज़्यादा हो चुकी है क्योंकि यहाँ से जो रूरल एरिया से यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा माइग्रेट हो गए, यहाँ पे आ चुके हैं। खासकर दरकुत कुरकुलती और धुई वैली से बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे अपने मकान बनाए हैं। देखे तो जी, ये बच्चे ना अर्तगुल देख देख के ना अभी भी उसके जो डायलॉग्स है ना, ये वही डायलॉग्स बोल रहे हैं चिल्ला के, क्योंकि ये जो जगह है ना एकदम उससे मिलती जुलती है। जो अर्तगुल की जो ड्रामे में जो जगह दिखाई जाती है उससे बिल्कुल ये मिलती जुलती है। देखे तो जी, हम अपने फर्स्ट स्टॉप में पहुंच चुके हैं, बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल। मुझसे पहले ना बच्चे पहुंच गए हैं, ये देखे जी माशाल्लाह। ये ऊपर से गिर रही है, ये देखे। तो जी बिल्कुल इसके साथ ही ना एक घर है छोटी सी, देखे ये देखे, जो प्याज और असला भी गए हैं ना, छोटी सी गार है। इर्द गिर्द ना ग्रीनरी है और सर्दी यहाँ पे ज़्यादा है गाँव से। ये जी हमारा फर्स्ट स्टॉप था। जो सेकंड जो स्टॉप है ना हमारा, वो थोड़ा मुश्किल है जी, उसके लिए हमें ना थोड़ी ट्रेकिंग हमें करनी पड़ेगी। यहाँ तक तो आसान था, अब हम यहाँ से आगे सेकेंड हमारी डेस्टिनेशन की जानिब जाएंगे। ये देखे जी, जो मुश्किल है। तो ये देखे अर्तुगरुल वाली सीन वाली जगह ना, और ये इसकी एक्शन कर रहे हैं अभी, देखे। इस टाइम ना अर्तगुल बहुत ज्यादा हिट है जी हमारे इलाके में। चलो सिपाहियों, चलो चलो। प्री माउंटेनियर्स है जी ये। अभी सीख रहे हैं जी माउंटेन। और वो देखो सकलेन और एरियान, देखिए जी यहाँ पर है। अब हम अपने जो स्टेप टू है ना उसकी जानिब हम जा रहे हैं। हम बादलों के करीब होते जा रहे हैं जी इनके साथ, देखे। और जी ये देखे, जो पीछे आपको छोटी सी गांव दिखाई दे रही है, इसको चश्मा कहते हैं क्योंकि ऊपर जो वाटरफॉल नहीं हो रही थी वो चश्मे का पानी है, और जो ये जो गांव है ये चश्मे के पानी से आबाद है ना, तो इसलिए इसको चश्मा कहते हैं। तो ये देखे जी कुरकुलती के पहाड़ के ऊपर बादल छाए हुए हैं, और ये यहाँ से ना कुरकुलती वैली, संदी वैली और आगे गुजलती वैली, सुल्तानाबाद, चश्मा, ताउस के नज़ारे यहाँ से, और ये पहाड़ों पे बादल देखे, और आगे देखे बिजयोट वैली, मनीची, थोदस और ये ताउस के नज़ारे। तो इस जगह को ना आप लोग व्यू पॉइंट आप लोग कह सकते हो, व्यू पॉइंट, ठीक है कि नहीं। ये देखिए भाग ही रहे, मतलब अभी देखिए थके नहीं है और ये एक्साइटमेंट में ना ये लोग चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं। ये जी हम अपने गांव के पीक पर हम आ चुके हैं और ठंडी हवाएं चल रही है ना, और देखिए पहाड़ों पे बादल भी छाए हुए हैं और इन लोगों ने यहाँ पे रेस्ट किया है। ये देखे जी कितने खतरनाक के पहाड़ पर ये लोग बैठे हुए हैं, देखे।
माशा अल्लाह जी कुदरत के बहुत खूबसूरत मनाज़िर। तो जी अभी है ना सकलेन अपना कर्तव्य हमें दिखाएगा कि ये कर्तव्य अभी कर सकता है जी, ये बंदा कर सकता है, ये ना सर पे ना खड़ा हो सकता है सर पे। सकलेन 1 2 3 गो, ये चैलेंज कर रहा था बच्चों से। हाँ करो। ये देखे जी, ये देखे कर सकते हो आप लोगों से भाई, नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते, ये माशाल्लाह जी। हाँ तो जी अभी ना हम इसी के साथ साथ ना अभी हम वापस जाएंगे जी, क्योंकि ऊपर बच्चे गए, बच्चे अभी थक चुके हैं काफ़ी, तो हम अभी वापस निकलेंगे। तो आज की हमारी ट्रेकिंग की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। तो जाते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। अल्लाह हाफिज़।